आशा उषा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदर्शन किया। विगत लगभग एक माह उषा आशा उषा कार्यकर्ता संगठन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार द्वारा मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किए जाने पर स्थानीय संगठन ने प्रदर्शन में तेजी लाते हुए मंगलवार को छिंदवाड़ा से पधारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा ठाकरे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन लेकर स्थल नेहरू चौक से तहसील कार्यालय एवं तहसील कार्यालय से विकास खंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इस दौरान तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा तो वहीं स्थानीय जय स्तंभ चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जोरदार नारेबाजी की, जिससे यातायात भगत रहा। तो वहीं बीएमओ कार्यालय पहुंचकर भी जोरदार नारेबाजी की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद दीवान को मिशन संचालक के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा ठाकरे ने बताया कि हड़ताल का निरंतर सभी जिलों में मध्य प्रदेश में हड़ताल बैठी हुई है और हमारी बहनें भी धूप में बिल्कुल चावल की तरह पक चुकी है, रोडों पे उतर के हल्ला कर रही है, लेकिन आज तक हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है, ना ही सरकार के द्वारा कोई आकर हमें आश्वासन दिया है और ना ही कोई आगे मांग को बढ़ाया गया है। इसलिए हमारा यह है कि आज 29वां दिन है अभी और हम 18 तारीख तक देख रहे हैं कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं तो 19 तारीख में हमारा धरना आंदोलन चलेगा आप मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। 19 तारीख में सभी बहनें रोड पे नजर आएगी। मामा जी को, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया को हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी की जाए। हमारी आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 66 रुपये में कार्य लिया जा रहा है प्रतिदिन का, तो आज 2000 रुपये में क्या हो रहा है। एक सिलेंडर की टंकी भी 1100 रुपये आप ले रहे हो तो 2000 में और 1000 तो हमारा CSC PSC के मीटिंग के चक्कर लगवाने में चले जाते हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें निश्चित मानदेय 10000 रुपये दिया जाए और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी भी समय सीमा तय की जाए, क्योंकि हमें ATM के तरह 2400 घंटे 66 रुपये में यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत शोषण है, 16 साल हो चुके हैं, हमें तो सिर्फ 3 कामों के लिए रखा गया था, मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर और जन समुदाय के बीच में सेवाएं पहुंचाने के लिए, लेकिन आज हमसे इतना काम लिया जा रहा है कि 1 लाख के पेमेंट वाला भी अधिकारी कुर्सी पे है लेकिन हमारी बहनें 2400 घंटे अपना मोबाइल तकिया के नीचे लेके सोती है, बच्चा बाद में लेके सोती है और हमें आधे रात को भी 2 बजे उठ के जाना पड़ा तो जाती है, लेकिन रोड में बीच में हमारा कुछ हुआ तो हमारा मतलब जायजा लेने वाला कोई माए बाप नहीं है। इसलिए हमारी आशा कार्यकर्ताओं का इतना शोषण है, ना हमें बीमा है, ना पेंशन है, ना कोई पेमेंट है, हमें सिर्फ रूटिंग इंसेंटिव 2000, वो भी मानदेय नहीं है और 2000 रुपये इंसेंटिव भी बजट के नाम पे काट लिया जाता है, तो आधे दिन तो भाई चने पुटाने बिकने में भी महंगी हो जाती है।